54 रुपए का भाव है, 52-75 का स्टॉप लॉस रखिए, 65 का टारगेट। अब इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको 60 रुपए जरूर दिख जाएगा, लेकिन डिलीवरी के लिए 65 का टारगेट। और दूसरा सर मेरा मनपसंद है इस भाव पे, दिस स्टॉक इज अंडर परफॉर्म्ड, LNT 910 का भाव है, 908-9 है कैश में, 912 है फ्यूचर में, 891 का स्टॉप लॉस रखिए, ट्रेडर के लिए 950 और इन्वेस्टर के लिए दिवाली वाले दिन 1050। आपका डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन एंड इंजीनियरिंग, ऑल प्रोजेक्ट्स विल बी इन LNT विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, और इट्स अ नो ब्रेनर एट दिस प्राइस। आप बाकी के इसके मल्टीपल्स या पीयर ग्रुप देखो, दे आर ऑल चेसिंग अप कमिंस, सीमेंस, LNT इज द बेस्ट प्ले एट दिस प्राइस, दैट्स व्हाई इट्स अ वर्थ वाइल बाइंग, एवरीवन विल मेक मनी बाय दिवाली। चलिए, दिवाली तक काफी पैसा बनेगा इन स्टॉक्स पर। और देखिए, भसीन साहब ने कहा है, इनको थोड़ा सा आप डे ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से, कल के स्विंग प्रोस्पेक्टिव से भी और पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से भी रखिए अपने पोर्टफोलियो में। तो फेडरल बैंक, स्पेशली बैंकिंग स्पेस में उन्होंने जिक्र किया, और LNT का अगर आप देखिए, LNT में एक बड़ा अच्छा मूव आया था, उसके बाद वो फिजल आउट हुआ, फिर उसमें दमखम आता हुआ LNT में। तो LNT पर रखिए नजर, और फेडरल बैंक पे टारगेट LNT पे इनका करीब 1000 रुपए का है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। यतिन के पास अभी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पर यतिन, डीलिंग रूम्स में कैश मार्केट के स्टॉक में कहां चर्चा हो रही है, ये बताइए, क्या तेजी बनी है कैश मार्केट के स्टॉक्स में पिछले 2-3 दिन? बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, और मिड कैप स्मॉल कैप, चाहे वो सेबी का सर्कुलर अमल में आए ना आए, लेकिन रैली तो जरूर उनको देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा ही मोमेंटम है। दीपक फर्टिलाइजर हेमंत, तो वहां ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आज से जो है आखिरी बार ट्रेड कर रहा है कम राइट बेसिस पे, कल ये एक्स राइट्स हो जाएगा। और अगर आप देखें तो राइट्स इश्यू जो है 133 रुपए पे फिक्स हुआ है दीपक फर्टिलाइजर का, और 3 शेयर्स आपको राइट्स इश्यू के मिलेंगे हर 20 शेयर पे, यानी लगभग 30 शेयर अगर आपको राइट्स इश्यू के चाहिए तो आपको 200 शेयर खरीदने होंगे, और 133 पे बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे दीपक फर्टिलाइजर का ये राइट्स इश्यू ये होने वाला है। और मुझे ये लग रहा है कि जिस प्रकार से वैल्यूएशन आज की तारीख में है फर्टिलाइजर कंपनीज के, और मुझे याद है आपकी T20 टीम में भी काफी सारे फर्टिलाइजर शेयरों की आप चर्चा आते जाते करते हैं, लेकिन दीपक फर्टिलाइजर पे ध्यान होना चाहिए। 10-15% की डीलिंग रूम्स को लगता है कि ट्रेडिंग अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है, और राइट्स इशू का भी फायदा यहाँ शेयर होल्डर्स को दिखाई देगा। तो दीपक फर्टिलाइजर, ये एक बाय कॉल आ रही है डीलिंग रूम से, कम राइट बेसिस पे आज आखिरी दिन है ट्रेड होने का। ध्यान रखिए, राइट्स के लिए आप इंटाइटल तभी होंगे अगर आज आप इस स्टॉक को लेकर रखेंगे, ये आपको यतिन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राइट्स इशू चाहिए तो ये शेयर लीजिए, और कोई भी सेल हो, डिस्काउंट हो, तो देखिए वो भारतीयों को खूब पसंद आता है, और दीपक फर्टिलाइजर क्या शानदार शेयर है। अच्छा, कल भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे यतिन ना, जब हमारे साथ हमारे इंजीनियर साहब जुड़े हुए थे, आज इंजीनियर्स डे है, आपको पता ही है, दीवान साहब हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो कल हमारे साथ थे, हमारे बाजार के भी विद्वान हैं। देखिए, उनसे भी हम यही कह रहे थे कि राइट्स में पार्टिसिपेट करना है ना, तो कह रहे थे जोर से करना है। भसीन साहब से भी हम लोग सुबह यही चर्चा कर रहे थे कल। तो ये वो स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए, राइट्स लेना है तो शेयर पहले लेना पड़ेगा, तब आप राइट्स के लिए इंटाइटल्ड हो जाएंगे, और इसीलिए देखिए इसमें आज कैश मार्केट में बाइंग नजर आ रही है, तो मोस्टली डिलीवरी बेस्ड बाइंग ये आपको नजर आएगी, ये यतिन आपको बताते हुए। अच्छा, इससे पहले कि अब हम BTC ट्रेड्स पे आएं, आशीष से बात करते हैं कल के कुछ बड़े इवेंट्स जिस पर बाजार की नजर रहेगी, कुछ खास नंबर्स, हालांकि अगर आप देखें नतीजों का सीजन जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन आशीष, कल के सबसे बड़े फैक्टर्स जिस पर बाजार की नजर होगी। बिल्कुल सही कहा, रिजल्ट्स खत्म, अब इक्का दुक्का आएंगे तो आएंगे, कल ऐसा कोई नंबर लाइंड अप नहीं है जिसको मेंशन करूं। कल से नया मार्जिन पेनल्टी सिस्टम जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा, तो नया मैकेनिज्म प्लेज और रीप्लेज का तो 1 सितंबर से इफेक्टिव हो गया था, पर सेबी ने आपको याद होगा 15 तारीख तक पेनल्टी जो थी वो वेव ऑफ करी थी। अब इस नए फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्टॉक ब्रोकर्स को मार्जिन अपफ्रंट इन्वेस्टर से कलेक्ट करना होगा परचेज और सेल ऑफ शेयर्स को लेकर, और अगर फेल होते हैं उसमें तो पेनल्टी लगेगी इन पे कल से। अच्छा, RBI गवर्नर शक्तिकांता दास साहब कल 11 बजे फिक्की के मेंबर्स को एड्रेस करने वाले हैं।
आज से दो दिनों की फेड की बैठक की शुरुआत हुई थी, कल वो बैठक कल्मिनेट होगी और कल देर शाम हमारे समय अनुसार तो रात में 11:30 बजे वो आउटकम आएगा। हालांकि अनलाइकली कि फेड मूव करेगा इस समय, क्योंकि सब वो स्टिमुलस पैकेज का इंतजार कर रहे हैं और फेड भी शायद उस पर क्लैरिटी चाहेगा, फिर भी उसके आउटकम पर नजर रहेगी। अच्छा, एक इवेंट भी है, प्ले स्टेशन 5 सोनी का इवेंट है। मतलब? अब ये प्ले स्टेशन 4 गेमिंग था ना, PS4, PS5, अब लोग कंफ्यूज नहीं कि PS5 के फीचर्स ही मेंशन करेंगे या प्राइसिंग और कब से मिलना शुरू होगा वो भी मेंशन होगा। तो सोनी का इवेंट नजर पर रखिएगा और एक इमेज स्क्रीन्स पर आएगी आपके। कल वर्ल्ड ओजोन डे भी यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है, इंटरनेशनल डे है जो हमारी अर्थ की ओजोन लेयर है उसके प्रिवेंशन को लेकर उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए वो डे सेलिब्रेट होता है। आजकल आप इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आप